श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आप सभी ने दीपावली महापर्व मनाया। मनाया कैसे कैसे, यह तो आपका विषय है। मैं तो यह बताना चाहूंगा, दीपावली पर्व भारत का महान पर्व है। यह जैन धर्म में और वैदिक धर्म में, इन दोनों में ही इसकी मान्यता है, मनाया जाता है। वैदिक परंपरा में श्री राम के अयोध्या लौटने पर उस खुशी में अयोध्या निवासियों ने दीपावली पर्व मनाया था। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया, अपना परम लक्ष्य प्राप्त किया, भगवान मुक्ति में जाकर विराजित हुए। एक आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त करती है तो इससे बड़ी बात और खुशी कुछ नहीं हो सकती। उस उपलक्ष्य में देवों ने और मनुष्यों ने, सभी ने ही दीपावली मनाई थी। इस सब के पीछे क्या क्या भाव है, उसकी कुछ बात हम करेंगे। पहली बात तो यह है, भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया, ये सबसे बड़ी बात और खुशी की बात। इसी उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। आज आपसे कुछ बातें कहनी हैं और आप मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। पहले मैं चाहूंगा, अपापा पुरी नगरी जहाँ के राजा थे हस्तिपाल, महावीर प्रभु के परम भक्त थे, प्रार्थना की थी प्रभु से, भगवान ये आने वाला चतुर्मास मेरी राजधानी
अपापा पुरी में करे, कृपा करे। महावीर प्रभु ने उस राजा की बात को जाना, प्रभु मौन रहे और बंधु वो समय आया तो भगवान अपापा पूरी नगरी में पधार गए। न पापा जहां पाप न हो, जहां पाप के कालिमा न हो वह अपापा है। और भगवान जहां पधारते हैं वहां तो पाप रहते ही नहीं, सब दूर हो जाते। भगवान वहां पधारे और एक स्थान था राजा का, रज्जुक सभा। वो स्थान बड़ा अनुकूल था संतों की साधना के लिए, क्योंकि बहुत सारे संत प्रभु के साथ होते थे और प्रभु ने उस स्थान पर ठहरने की अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी। चातुर्मास शुरू होता है, बंधु वो यह भगवान का 42वां चातुर्मास था। हमारे समझने के लिए भगवान का ये अंतिम चातुर्मास हुआ। भगवान विराजे, धर्म सभा लगती, नर नारी देवी देवता त्रियंच ये सब प्रभु की देशना श्रवण के लिए उपस्थित होते। क्रम चल रहा था, एक मास बीता, दूसरा मास भी बीता, तीसरा मास बीता, चौथा मास कार्तिक मास शुरू हुआ। और यह भी शनि शनि व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन आया अमावस्या का, उससे पूर्व चतुर्दशी, और बंधुओं निर्वाण से 2 दिन पूर्व प्रभु की अहेतु कृपा बरसने लगी। देशना तो हर रोज प्रभु देते थे, हर रोज सब आते थे, लेकिन अब तो प्रभु ने देशना निरंतर और धारा प्रवाह देनी शुरू। सब लोग मूर्तिमंत बैठे श्रवण कर रहे थे और जैसे बादल बरसता है ऐसे प्रभु का ज्ञान बरस रहा था, लोग सुन रहे थे। लोगों को नहीं पता था इस बात का क्या बात है। आज तो भगवान निरंतर देशना दिए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, जन सामान्य को नहीं पता था। पता था देवराज इंद्र को, वे भी वहां उपस्थित हुए थे और देवराज इंद्र ने
अपने अवधि ज्ञान से जान लिया था, यह वह समय है कि जब तीर्थंकर प्रभु निर्वाण को प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी जान लिया था वो समय अमावस्या रात्रि की अर्धवेला होगी, भगवान निर्वाण को प्राप्त करेंगे। इंद्र महाराज ने कुछ सोचा और वे परम विनय भाव से प्रभु के सामने आए। भगवान, एक निवेदन है। निवेदन यह है, आप अपने आयुष दो घड़ी बढ़ा लीजिए, ये मांगा, ये प्रार्थना की। स्वयं ही निवेदन कर दिया, भगवान इस समय जो आकाश में ग्रह स्थिति चल रही है उसमें भस्मक नाम का एक ग्रह है, आपकी जन्म राशि में संक्रमण कर रहा, बहुत कुछ निकल गया पर अभी बाकी है। अगर आप दो घड़ी यानी 48 मिनट अपनी आयुष को बढ़ा लेंगे तो ये ग्रह आपकी जन्म राशि से निकल जाएगा। फिर इसके निकल जाने से आपका शासन निराबाध होगा। अगर यह जब तक बना रहेगा आपकी राशि में और आपका निर्वाण होता है तो 2000 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। शासन में कई तरह के कष्ट आएंगे। कृपा करो, आप अनंत शक्तिशाली हैं, महाप्रभु हैं, अपनी आयु थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। इंद्र मौन हुए। भगवान ने कहा, इंद्र ऐसा न तो कभी भूत में हुआ न वर्तमान में ये किया जा सकता है, न ये भविष्य में होगा। आयुष जीव की जितनी होती है उतनी ही रहती है, वह अपरिवर्तनीय है, उसको घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। आयु इतनी रहेगी। इंद्र मौन हो गए, चुप हो गए, हाथ जोड़कर बैठ गए। तीर्थंकर प्रभु ने फरमा दिया, अब तो कोई बात और शेष हो ही नहीं सकती। भगवान देशना दे रहे थे। पहले उन्होंने कर्म विपाक देशना दी और जब वह पूरी हुई तो उसके बाद उन्होंने उत्तर अध्ययन कहने शुरू किए, जिसको हम उत्तराध्ययन कहते हैं। वह फरमाने कहने शुरू किए। भगवान निरंतर कह रहे थे। इस धारा क्रम में भगवान कुछ रुके और बोले, इंद्रभूति तुम
देव शर्मा नाम के एक भविक आत्मा ब्राह्मण को आत्मबोध देकर आओ। पास में गांव था, कुछ दूरी पर। शाम की वेला हो चली थी, लेकिन अभी सूर्य काफी शेष था। भगवान ने आज्ञा की, जाओ देव शर्मा को प्रतिबोध देकर आओ। जैसे आज्ञा, भगवान मैं भी सुन रहा था, फिर देशना निकल जाएगी, फिर मैं वंचित हो जाऊंगा। भगवान मैं कल जाया हूं, वहां ये सवाल नहीं थे। जो प्रभु ने फरमा दिया, फरमा दिया, जो कह दिया वही स्वीकार है। भन्ते ठीक। गौतम स्वामी खड़े हुए, प्रभु को नमन किया, वंदन किया और वे चले गए। कईयों के मन में आया, गौतम को काम भेज दिया भगवान ने, चलो जैसे भी किया, जो फरमाया ठीक है, गौतम तो चले गए। और वह धर्म देशना निरंतर चलती रही। गौतम स्वामी तो वहां पहुंचे और देव शर्मा के घर पर गए। भविक आत्मा था वह, संत को देखकर नमन किया, आओ किस लिए आए, क्या कार्य है, आपको क्या चाहिए, मैं आपके पास कुछ संदेश लेकर आया हूं।